नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों बहुत ही चटपटी और तीखी सरसों राय, इसे राय भी बोला जाता है, सरसों भी बोला जाता है, मैं आपको पीली सरसों की मज़ेदार सी चटनी बनाकर दिखाऊंगी दोस्तों, जो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ खाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। अगर सब्जी ना हो तो इस चटनी खाकर आप सब्जी को भूल सकते हैं, क्योंकि ये इतना टेस्टी लगते हैं। तो देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं ये हमारा पीला सरसों है। तो मैंने इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ एक गोटा लहसुन छील ली हूँ, आपको अपने आप हिसाब से आप ले सकते हैं, मिर्ची आपको ज़्यादा तीखा या फिर, और एक नींबू का रस। आप काला सरसों से भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन पीला सरसों का ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। तो हम इसको, अगर आप इसको बनाने से पहले एक या दो घंटा के लिए इसको अच्छे से भिगो लीजिए, या फिर आप थोड़ा जल्दी में है दोस्तों तो आप इसको गर्म पानी में आधा घंटा के लिए रख दीजिए, आप जल्दी से बना सकते हैं। तो मैं पहले ही रख दी थी, इधर देख सकते हैं, तो देख सकते हैं हमारे सरसों कितने अच्छे से फूल गए हैं, फूल बड़े बड़े से हो गए हैं फूल कर। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ करीब, आप यहाँ पर मैंने गिलास में ली थी, करीब मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के करीब मैंने सरसों लिया है और अच्छे से भीग गए हैं दोस्तों, अच्छे से फूल के बड़े बड़े साइज के हो गए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, आप झटपट से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। लिट्टी चोखा के साथ, डोसा के साथ, रोटी चावल पराठा पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, कोई भी स्नैक्स हो किसी भी चीज़ के साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसमें कोई मसाला कोई कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों, आप घर के ही चीज़ों से झटपट से बना सकते हैं। और मैं देसी तरीके से बना रहा हूं दोस्तों, बहुत ही फेमस है हमारे गाँव में, ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं दोस्तों सिला लोड़ी के अच्छे से साफ कर लेती हूँ धो के, क्योंकि मैं देसी तरीके से बना दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमने इसको अच्छे से धो लिया है। सरसों को ले ली हूँ, आपको जितना मन चाहे उतने आप बना सकते हैं। मैं सरसों को देखिए जब फूला हुआ रहेगा दोस्तों तो अच्छे से पीस जाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे दोस्तों, ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना रहे। देख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों मैंने 2 से 3 बार इस तरह से पीसी हूँ, तो अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन जो मैं छील कर रखी थी, लहसुन और मिर्ची, उसके बाद स्वाद अनुसार दोस्तों नमक डालेंगे इसमें। ये सबको भी पीस लेते हैं। तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं दोस्तों, लेकिन मिक्सी से उतना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों जितना कि आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे। अब सभी को हम अच्छे से 2 से 3 बार और पीस लेते हैं। पीस के मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे सरसों का चटनी बन गए हैं दोस्तों। तो लास्ट में दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, जो कि इसमें चटनी में चार चांद लगा देता है दोस्तों टेस्टी में। और एक हरी मिर्ची, जिसको जो ज़्यादा तीखा खाना है वो ले सकता है दोस्तों। लास्ट में नींबू का रस, एकदम बाजार जैसा हमारा सरसों का चटनी बनकर तैयार है दोस्तों। बहुत सारे लोग तड़का लगाते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरीके से एकदम सही चटनी बनती है दोस्तों। वो लोग कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में दोस्तों ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में, लेकिन हमारा मेन और शुद्ध चटनी इस तरीके से होता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, देख सकते हैं दोस्तों।
इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं टेक्चर। आप इसको इंस्टॉल करके भी रख सकते हैं दोस्तों, 2 से 3 महीना देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आप, मेरी थोड़ी गाढ़ी है दोस्तों, आप थोड़ा पानी मिलाना चाहते हैं तो इसमें मिलाकर आप पतला भी कर सकते हैं, पहले कर लीजिएगा अभी नहीं, जब आपको जैसा पसंद हो उस तरीके से। तो बाय बाय दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये सरसों का चटनी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। फिर मिलते हैं, एक अच्छी आप कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों कि आगे आपको क्या चाहिए, और परफेक्ट एकदम सही सरसों का चटनी इस तरीके से बनता है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम।